हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबाद की फेमस लौकी की खीर। तो चलिए शुरू करते हैं। लौकी की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 250 ग्राम लौकी यानी कि दूधी, 50 ग्राम मावा यानी कि खोया, थोड़े से ड्राई फ्रूट, 1 कप साबूदाना। साबूदाना को हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ग्रीन फूड कलर और 1 कप चीनी। सबसे पहले हम लौकी को छील कर इसे कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लौकी को छील कर उसे कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है। अब हम इसमें कद्दूकस की हुई लौकी ऐड कर देंगे और लौकी को घी में अच्छे से भून लेंगे। हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। लौकी को भूनते हुए 5 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा और इसे भी लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लौकी और मावे को अच्छे से भून लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। और दूध में उबाल आने तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दूध में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। साथ ही में चीनी भी ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट तक पकाएंगे। हमारी खीर को पकते हुए 30 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन फूड कलर और इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे, 30 मिनट पकाने के दौरान हर 1.5 से 2 मिनट में हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। खीर बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसे थोड़ी देर ठंडा करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रखने के बाद सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी इंस्टेंट और हेल्दी लौकी की खीर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.